डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित हार्टरोम स्किल सेंटर हांसी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे स्टाइल्स अप्लाई करना। जब आप कोई बुक राइटिंग करते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसके ऊपर हम किस तरह से अलग अलग स्टाइल्स को अप्लाई करेंगे। हमने एग्जांपल के तौर पर फॉर्मेटिंग के लिए एक सैम्पल टेक्स्ट टाइप किया है जिसके ऊपर हम स्टाइल्स को अप्लाई करना सीखेंगे। जब हम कोई भी बुक टाइप करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो हमें टाइटल के लिए अलग फॉर्मेट स्टाइल चाहिए होता है, उसके बाद सब टाइटल के लिए हमें अलग स्टाइल चाहिए होता है और टेक्स्ट के लिए हम अलग स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने टाइटल के लिए एक सैम्पल टेक्स्ट टाइप किया है। हम चाहते हैं कि ये सैम्पल टेक्स्ट फॉर टाइटल हमारा मेन टाइटल है। तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं जो हमें दिए गए हैं। आप मोर स्टाइल्स के अंदर जाकर भी काफ़ी सारे स्टाइल्स ले सकते हैं। अभी के लिए हम इस पर टाइटल स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। हमें यहाँ क्लिक करना है जिससे आपके मेन टाइटल के ऊपर टाइटल स्टाइल अप्लाई हो जाता है। इसके बाद सब टाइटल के लिए हमें अलग स्टाइल अप्लाई करना होगा जिसके लिए हमें सेलेक्ट करना है पैराग्राफ वन। मान लीजिए कि ये हमारा सब टाइटल है। आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। हमें यहाँ अप्लाई करना है सब टाइटल स्टाइल, तो हम क्लिक करेंगे सब टाइटल पर जिससे पैराग्राफ वन हमारा सब टाइटल के अंदर चेंज हो जाता है। इसी तरह से पैराग्राफ टू, पैराग्राफ थ्री और पैराग्राफ फोर पर अलग अलग लगाने की बजाय हम इन्हें एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें सेलेक्ट करना है पैराग्राफ टू और इसके बाद हमें कंट्रोल प्रेस करना है और उसे प्रेस करे रखना है। उसके बाद हमें पैराग्राफ थ्री के सामने क्लिक करना है, सेम पैराग्राफ फोर के सामने क्लिक करना है जिससे हमारे तीनों पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाते हैं और हम एक ही बार सब टाइटल स्टाइल इन तीनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टेक्स्ट है, इसी तरह से हम इन टेक्स्ट के ऊपर अलग स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। हमें सेम एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और हमें सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ और फोर्थ पैराग्राफ सेलेक्ट करना है और उसके लिए कोई स्टाइल चूज करना है। तो हम मोर के अंदर चलते हैं। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली अपना माउस पॉइंटर उस स्टाइल पर लेकर जाना है जिससे आपको अलग अलग स्टाइल्स दिखाई देंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर कोटा स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। क्लिक करना है आपको, आपका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अपना स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए मोर स्टाइल्स पर जाइए। उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट स्टाइल पर। यहाँ आपसे पूछेगा कि जो स्टाइल आप क्रिएट कर रहे हैं उसका नेम आपको क्या देना है। हम यहाँ देना चाहते हैं फॉर्मेटिंग स्टाइल वन। उसके बाद आपको क्लिक करना है मॉडिफाई पर जिससे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से नेम फॉर्मेटिंग स्टाइल वन दिया है हमने। उसके बाद स्टाइल टाइप आपको लिंक्ड करना है पैराग्राफ और करेक्टर, यानी कि आपको पैराग्राफ के साथ जितने भी करेक्टर आपके लिंक्ड हैं उनके ऊपर आपको स्टाइल अप्लाई करना है, या फिर केवल करेक्टर के ऊपर या फिर केवल पैराग्राफ के ऊपर। तो हम पैराग्राफ पर क्लिक कर लेते हैं। इससे पहले हमने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है कोटा स्टाइल। ये कहता है कि ये जो स्टाइल आप बना रहे हैं ये किस स्टाइल के ऊपर बेस्ड है। यहाँ हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आप काफ़ी सारे स्टाइल्स आपको दिए गए हैं, आप जो स्टाइल बना रहे हैं किस स्टाइल से मिलता जुलता है, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ, ये आप जो फॉर्मेटिंग स्टाइल आपने दिया है उसी के लिए स्टाइल बनाया जा रहा है। आप इसके अंदर क्या क्या स्टाइल ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको साइज़ कितना रखना है इसका, हमें साइज करना है 14। बोल्ड करना है या नहीं करना, इटैलिक करना है या नहीं करना, अंडरलाइन करना है या नहीं करना। उसके बाद आप कलर क्या करना चाहते हैं, कलर हमें यहाँ रेड चाहिए या फिर ब्लू चाहिए, हम ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं इसका।
लाइन स्पेस या फिर इंडेंटेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टाइल तैयार होने के बाद आपको ऐड टू द स्टाइल गैलरी, क्या आप इसे स्टाइल गैलरी के अंदर ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ एक गैलरी दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ यस करना है और उसके बाद ओके क्लिक कर देना है, तो जिससे आपके पैराग्राफ के ऊपर आपने जो स्टाइल बनाया है वो स्टाइल अप्लाई हो जाता है। इसी तरह से हमें यहाँ अपना बाकी के पैराग्राफ सेट करने हैं, कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद हमने जो स्टाइल क्रिएट किया है वही स्टाइल हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ से अप्लाई करेंगे फॉर्मेटिंग स्टाइल 1 के नाम से जो हमने स्टाइल बनाया है, क्लिक करना है तो आपके पैराग्राफ्स के ऊपर वही स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हमने सीखा स्टाइल अप्लाई करना और अपना स्टाइल क्रिएट करना। आप चाहें तो किसी पैराग्राफ से आप फॉर्मेटिंग क्लियर भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेना है जहां से आप फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहते हैं। तो हमने पैराग्राफ 3 सिलेक्ट कर लिया है। मोर ऑप्शंस के अंदर जाकर आपको यहां से क्लियर पर क्लिक करना है, जिससे आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है अप्लाई स्टाइल। अगर आप इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सिलेक्ट करना है आपका टेक्स्ट। मोर ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, अप्लाई स्टाइल। अभी कहता है कि आपने फिलहाल इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया है, यानी ये नॉर्मल टेक्स्ट है। आप यहाँ कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप डाउन के अंदर जाकर जो स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर फॉर्मेटिंग स्टाइल 1 जो कि हमने क्रिएट किया था वही अप्लाई करना है, तो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद रीअप्लाई कर देना, यानी कि आपने पहले इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ था। आप यहां से भी इसको दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो हमें इसे कैंसिल कर देते हैं और रीअप्लाई कर देते हैं। तो आप इस तरह से अपने टेक्स्ट के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग रीअप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको ये होम टैब अच्छे से समझ आ गया होगा। होम टैब की सभी वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाइए। एमएस वर्ड 2016 के अंदर आपको होम टैब की सभी वीडियोज मिल जाएंगी, और आगे आने वाले सभी वीडियोज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।